22 मार्च को मोदी के आह्वान पर एक दिन के लिए घरों में रहने की अपील का लोगों ने जोरदार समर्थन करते हुए अपने आप को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों में अंदर कैद कर लिया। वहीं शाम के 5 बजते ही लोगों ने अपने घर की छतों और बालकनी में आकर सेवा से जुटे उन तमाम जन सेवकों को थाली बजाकर अभूतपूर्व अभिवादन किया, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए संकट की घड़ी में जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। गोवर्धन कस्बे में भी कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां लोग बाग अपनी छतों पर जिसके हाथ में जो साधन बन पड़ा उसी को बजाने लगे, देश के तमाम जनसेवकों का अभिवादन करने लगे। बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सभी इस अभिनंदन कार्यक्रम में ऐसे जुटे, वो नजारा देखने ही लायक था। जिसके हाथ में जो चीज थी वो उसी को बजाकर धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था। बस कुछ नासमझ युवक 5 बजे से अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ जमे। शायद उन्हें मोदी जी की अपील से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही ऐसे शरारती तत्वों को रोकने के लिए कहीं कोई पुलिसकर्मी नजर आया। देश के 75 शहरों में लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोगों के मन में शंका की स्थिति बनी हुई है कि अगर यहाँ भी लॉकडाउन की घोषणा हो गई तो आगे क्या होगा। गोवर्धन से मंच न्यूज के लिए नरेश उपाध्याय की रिपोर्ट। ओए भैया भैया ये बंदे